हमारे देश भारत को आजाद हुए आज 76 साल हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में 2023 का भारत आजादी के समय के भारत से कितना बदल चुका है। क्या कभी आपने सोचा है कि 100 रुपए के पार पहुंचने वाला 1 लीटर पेट्रोल की कीमत साल 1947 में कितनी थी, या फिर उस समय $1 में कितने रुपए होते थे। क्या आपको पता है कि आजादी के कई साल बाद तक सोने का भाव आज के एक पिज्जा से भी सस्ता हुआ करता था। आज हम ऐसे ही कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आजादी से लेकर अब तक हमारा देश कितना बदल चुका है। नमस्कार, एक बार फिर से दिवी टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे देश में किसी भी चीज का दाम बढ़ने और घटने में पेट्रोल की कीमत एक अहम भूमिका निभाती है। खाड़ी देशों द्वारा पेट्रोल की कीमत में कुछ पैसों की बढ़ोतरी ही हमारे जीवन में उपयोग होने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के दामों में अचानक से वृद्धि हो जाती है। आज हम बात करें 2023 में पेट्रोल की कीमत की, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1947 में भारत की आजादी के समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 27 पैसे थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मात्र 27 पैसे, यानी 1 रुपए के 1/3 से भी कम। आज हम जितने में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उतनी ही कीमत में आजादी के वक्त 350 लीटर से ज्यादा पेट्रोल आ जाता। आजादी के 16 साल बाद भी साल 1963 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1 रुपए से कम 72 पैसे के आसपास ही रही। लेकिन बढ़ती पेट्रोल की मांग के चलते इसकी कीमत साल 1986 में 8 रुपए, 2000 में 28 रुपए और 2010 में 51 रुपए के आसपास पहुंच गई। 2010 से लेकर अब तक यानी पिछले 13 सालों में ही पेट्रोल की कीमत लगभग दुगनी हो चुकी है। यदि जल्द ही पेट्रोल की जगह कोई दूसरा विकल्प इजाद नहीं किया गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2030 तक हमें 180 से 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी खरीदने पड़ सकते हैं। अब हम बात करें आजादी के वक्त भारत की जनसंख्या की, तो उस समय एक अनुमान के मुताबिक हमारी कुल आबादी 33 करोड़ थी, जिसमें 84% हिंदू, 10% मुस्लिम, 2.2% क्रिश्चियन, 1.83% सिख और 1.97% अन्य धर्म के लोग शामिल थे। लेकिन बीते 76 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुके हैं। आज भारत की कुल आबादी 33 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी 5% घटकर 79.8% रह गई और मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.2% हो गई। बाकी के धर्मों में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। हालांकि आबादी बढ़ने के साथ साथ लोगों की कमाई भी आज कई गुना बढ़ चुकी है। यदि मैं आपसे कहूं कि आज के समय में 1 महीने का मोबाइल डेटा प्लान की कीमत जितना ही लोगों की 1 साल की कमाई हुआ करती थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद आप में से कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आजादी के समय एक आदमी की औसतन सालाना कमाई महज 274 रुपए ही हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,97,000 रुपए हो गई है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत का हर एक आदमी इतने रुपए 1 साल में कमाता हो। इनमें से तो कुछ लोग करोड़ों में खेलते हैं, उनके पास महंगी गाड़ियां, बंगले और एक अलग ही लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। परंतु हमेशा से हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं थी। एक समय था जब पूरी दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहकर बुलाती थी। इसका कारण था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया के कुल सोने का 11% हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास ही है। वर्तमान समय में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के आसपास पहुंच गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के दौरान 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए से भी कम थी। अगर आज के हिसाब से कंपेयर करें तो उस समय जितने रुपए में 10 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था, आज उतने रुपए में एक अच्छे रेस्टोरेंट में हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और किसी भी देश का आगे बढ़ना उस देश में रहने वाले लोगों के एजुकेशन पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो शिक्षा किसी भी देश के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी के समय हमारे देश में कितने स्कूल्स और कॉलेजेस थे, या फिर उस समय कितने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग थे? हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर नहीं में होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 1948 तक भारत में टोटल 1,40,000 स्कूल्स थे, जो आज की तारीख में 10 गुना बढ़कर 15 लाख से भी अधिक हो गए हैं। उस वक्त देश में महज 414 कॉलेजेज ही मौजूद थे, जबकि आज इनकी संख्या 42,000 से ऊपर चली गई है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा तो साक्षरता दर का है। आजादी के समय प्रत्येक 100 भारतीयों में से मात्र 18 लोग ही लिख पढ़ पाते थे। इन 18 लोगों में वैसे लोग भी शामिल हैं जो थोड़ा बहुत ही लिखना पढ़ना जानते थे, वरना एक्चुअल में देखा जाए तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों की संख्या 18% से भी कम थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। समय के साथ हमने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखी है। साल 2021 में जारी हुए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की एजुकेशन रेट 77.7% हो गई है। अब हम बात करें हमारे देश भारत की सुरक्षा की, तो किसी भी देश की सुरक्षा का आधार होता है उस देश की सैन्य शक्ति। यदि सेना मजबूत होगी तो देश पर किसी बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा। आजादी से पहले कुल मिलाकर 4 लाख भारतीय सैनिक थे, जो भारत और अभी के पाकिस्तान के सैन्य छावनियों में फैले हुए थे। बंटवारे के समय 1,40,000 सेना पाकिस्तान के पास चली गई और भारत के हिस्से में 2,60,000 सेना आई। उस समय हमारे सैनिकों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय सेना की रूपरेखा पूरी तरह बदल गई है। आज भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना बन चुकी है, जिसमें 14 लाख से भी अधिक सैनिक मौजूद हैं। एक समय था जब भारतीय सैनिकों के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, लेकिन आज 2023 में ब्रह्मोस, पिनाक, अग्नि, पृथ्वी जैसे कई और अत्याधुनिक हथियार दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार खड़े हैं। सेना के बाद हम बात करें अपनी आर्थिक स्थिति की, तो आप में से कई लोग रुपए की तुलना डॉलर से करेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत आजादी मिलने के बाद साल 1947 से ही हो गई थी। 1947 में एक डॉलर की वैल्यू 4.16 रुपए के बराबर हुआ करती थी और अगले 10-15 साल तक यही स्थिति बनी रही। लेकिन इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आई गिरावट, विदेशों से लिए कर्ज, 1962 के भारत चीन युद्ध, इसके ठीक 2 साल बाद भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में आए भीषण सूखे की मार के चलते साल 1967 में एक डॉलर की वैल्यू 7.5 रुपए के बराबर हो गई। इसके बाद भी रुपए के कमजोर होने का सिलसिला जारी रहा। कच्चे तेल की सप्लाई के संकट, देश में राजनीतिक उतार चढ़ाव और भारी भरकम कर्ज के चलते रुपया की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती चली गई। इस दौरान कई सरकारें बदली और कई राजनीतिक पार्टियों ने तो चुनाव से पहले रुपया मजबूत करने के वादे भी किए, लेकिन उनके वादे बस भाषणों तक ही सीमित रहीं। आज रुपया 1 डॉलर के मुकाबले गिरकर 82 रुपए के पार पहुंच गई है, जो हमारे देश की आर्थिक सेहत के लिए सही नहीं है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए पहला पैमाना उस देश की जीडीपी होती है। यदि हम भारत के इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जब अंग्रेजों ने पहली बार भारत में कदम रखा, तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22% से भी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जब वो भारत छोड़कर गए तो यह हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस तरह हमारे देश को लूटा होगा। साल 1947 में आजादी के समय भारत की जीडीपी महज 2,70,000 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर 4.25 लाख करोड़ यूएस डॉलर तक पहुंच गई है। इसके साथ ही इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन जीडीपी के अलावा हमारे खर्चों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी भारत के
आजादी से लेकर 2023 तक के बदलाव की कहानी। आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।